दोस्तों आज भी बहुत सारी न्यूज वगैरह आपके लिए ले आया हूँ, तो फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों एफटी न्यूज को। और दोस्तों सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल जो है वो अपने कमीशन को कट करने वाला है। दोस्तों याद होगा आपको मैंने पहले एक बार बताया था, गूगल जो है अपने कमीशन को, जो प्ले स्टोर के ऊपर उसका कमीशन होता है 30% तक का, उसको कम करने वाला है। उन्होंने कहा है कि जनवरी में 2022 के अंदर वो रिड्यूस कर देंगे इसे 15% पे, तो जो एप्स हैं वो थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, तो काफी अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों लॉन्च होने से पहले ही Redmi Note 11 और Note 11 Pro का प्राइस जो है चाइना के हिसाब से लीक हो चुका है। दोस्तों Redmi Note 11 जो है वो होने वाला है 14,000 रुपीज के अंदर, काफी अच्छी बात है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर Redmi Note 11 Pro की, तो वो होने वाला है 18,700 रुपीज में। दोस्तों मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो प्रो वाला वेरियंट है वो MediaTek Dimensity 1200 के ऊपर आने वाला फोन है। तो दोस्तों 5G इतना बड़ा प्रोसेसर और अंडर 20,000, तो बहुत जबरदस्त कहूंगा। और अगर ये इंडिया में इस प्राइस पे आ जाते हैं तो मैं कहूंगा 20,000 के अंदर इससे ज्यादा अच्छा फोन नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नया फीचर आया है गूगल मीट के अंदर। गूगल मीट जो ऐप है उसके अंदर जो होस्ट हैं उनके लिए नए फीचर्स आ चुके हैं। दोस्तों ये है ऑडियो वीडियो लॉक फीचर। दोस्तों इसकी हेल्प से जो है जो होस्ट हैं वो किसी की भी ऑडियो को या वीडियो को लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, स्पेशली ऑडियो को, जब उन्हें लगता है कि पीछे से कोई डिस्टर्बेंस, कोई आवाजें आ रही हैं पर उस बंदे का माइक बंद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे होस्ट बैठ के उसके माइक को बंद कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा ये आपको फोकस करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है पबजी न्यूज स्टेट के बारे में, और काफी अच्छी न्यूज है। दोस्तों मैंने आपको सिर्फ तब बताया था जब इसकी प्री बुकिंग शुरू हुई थी, अब दोस्तों इसकी डेट निकल के आ चुकी है ऑफिशियली 11 नवंबर को ये आने वाली गेम। तो दोस्तों देखते हैं, ग्लोबली डेब्यू करेगी दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने प्री रजिस्टर किया हुआ तो उनके लिए तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे जैसे ही वो इंस्टॉल करेंगे। तो आप भी ट्राई कीजिएगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं किया है रजिस्टर तो जाके प्ले स्टोर पे रजिस्टर कर लीजिए। तो दोस्तों गूगल सर्च के अंदर एक नया फीचर आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि आप नए नए वर्ड सीखो, रोज के रोज आपकी हैबिट बन जाए, तो आप गूगल सर्च के ऊपर जब कोई वर्ड सर्च करते हो वहां पे आपने देखा होगा राइट साइड में वहां पे एक छोटा सा ब्लू कलर का बटन आता है, उसे आप अगर क्लिक कर दोगे या फिर आप कह सकते हो ब्लैंक होगा, जब उसे क्लिक करोगे तो ब्लू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वो ब्लू हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी, तो रोज नए नए वर्ड्स जो हैं आपको नोटिफिकेशन यानी कि लॉक स्क्रीन के ऊपर ही मिल जाएंगे, तो आप उनके बारे में जान भी पाओगे और नए नए वर्ड सीख भी पाओगे, तो काफी अच्छी बात है। दोस्तों जिन लोगों को नए वर्ड सीखना अच्छा लगता है वो इस फीचर को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं, मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया है पर ट्राई करना जरूर चाहूंगा। तो दोस्तों फेसबुक के अंदर, फेसबुक मैसेंजर के अंदर एक नया फीचर आ चुका है AR वीडियो कॉलिंग का। दोस्तों वीडियो कॉलिंग के दौरान आप अपने AR का यूज कर सकते हो, AR इफेक्ट्स काफी अच्छे होते हैं, इससे आपके जो आप कह सकते हो AR मतलब फेसेस वगैरह चेंज होने हैं, ऊपर डिजाइन वगैरह कुछ लगने हैं, कुछ भी दोस्तों कलरफुल आर्ट जो भी आपको शो करना है वो हो जाएगा, तो दोनों तरफ भी हो जाएगा, सिंगल साइड भी हो जाएगा, काफी अच्छी बात है। जो भी आप ट्राई करना चाहते हैं इसे करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग सा बनाएगा ये आपके वीडियो कॉल को। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है ट्विटर की तरफ से, और ट्विटर जो है उसकी स्पेस, मैंने आपको बताया था ट्विटर ने नया स्पेस जो उनका होस्ट करने के लिए लाइव ऑडियो रूम वो लॉन्च किए थे। तो दोस्तों अब जो है वो सभी के लिए अवेलेबल हो चुका है, एंड्रॉयड हो या iOS है, कोई भी पर्सन उसे अपनी स्पेस बना के होस्ट कर सकता है, तो काफी अच्छी बात है। दोस्तों पहले ये लिमिटेड था, बहुत कम लोगों को मिला था, तो अब ये सबको मिलना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों विंडोज 11 के अंदर नया अपडेट आ चुका है, फर्स्ट अपडेट दोस्तों ये है 22,282। दोस्तों इसके अंदर जो है राइजन AMD ऊपर के जो प्रोसेसर के ऊपर चलते हैं कंप्यूटर्स जो विंडोज 11 के ऊपर है, उनमें कुछ बग्स वगैरह थे विंडोज 11 के अंदर, तो उसको फिक्स किया गया है। बाकी इसकी जो शट डाउनिंग या फिर स्टार्टिंग का कुछ ना कुछ थोड़ा सा इश्यू था, उसको फिक्स किया गया है। तो दोस्तों अब ये और स्मूथ एक्सपीरियंस देगी आपको, और अगर आप यूज करते हो तो अपडेट कर लीजिएगा, आपकी विंडो एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पे अपडेट रहेगी। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है एप्पल की तरफ से, और एप्पल ने अपना लॉन्च किया था मैकबुक प्रो 16 इंच वाले को और 14 इंच वाले को। दोस्तों 16 इंच वाला जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। उसके अंदर एक नया ऑप्शन है दोस्तों, हाई पावर मोड, और इस मोड को अगर आप ऑन कर दोगे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। मतलब आप सोच के देखिए, एक तो मैकबुक प्रो 16 इंच वाला सबसे ज्यादा हाई एंड प्रोसेसर के साथ में M1 मैक्स के साथ, ऊपर से इसके अंदर आपको मिल रहा है हाई पावर मोड, तो मैं कहूंगा दोस्तों बहुत जबरदस्त है। अगर आप इसे ट्राई करोगे तो आपको मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा।
तो दोस्तों देखते हैं इस मोड को कितने लोग ट्राई करते हैं। मुझे लगता है इस मोड को ट्राई करने की किसी को जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल पहले से ही है। तो दोस्तों अब बारी होती है ऑटो न्यूज की और ऑटो न्यूज में सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है होंडा की तरफ से। दोस्तों ये अपने नए एक सेंसर लेके आए हैं सेंसिंग 360। दोस्तों ये ऑफर करता है ओमनी डायरेक्शनल सेंसर्स को। दोस्तों बेसिकली होंडा की जो कार्स होती हैं, जो मुझे यहाँ पे आईडिया नहीं अभी आती है नहीं आती है, जिनके अंदर बहुत सारे कैमरा लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, आसपास जो कार है वो सेंस कर पाती है। अभी उसकी रेंज को बढ़ाया गया है और उसकी जो रेंज है वो बढ़ाई हुई है ताकि दूर से आती हुई कार को भी जो हम चला रहे हैं होंडा की कार वो सेंस कर सके ताकि एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस कम रहें और आपकी सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए ये सेंसर्स और बढ़ाए गए हैं। फ्रंट साइड में 5 लगे हुए हैं, बाकी रियर साइड वगैरह में सब में एक एक है, कॉर्नर आप सेंसर कह सकते हो इन्हें। तो कैमरास वगैरह भी फिटेड बहुत ज्यादा बढ़िया कर दी गई है, इसका जो व्यूइंग एंगल है वो भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। दोस्तों मैं कहूंगा काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। अभी दोस्तों ये 2022 के अंदर लॉन्च होंगे चाइना में, बाकी देखते हैं दोस्तों कि इंडिया में कब तक आते हैं ये ग्लोबली। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं चिप मैन्युफैक्चरिंग के कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है एसयूवीज के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा इनका डिले टाइम बढ़ चुका है। दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था कि इनका डिले टाइम बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ गया। दोस्तों आपको बता दूं इनका डिले टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया है, इवन 1 साल से भी ज्यादा आपको लग सकता है अगर आप एक एसयूवी को बुक करते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं ह्यूंडई क्रेटा को अगर आप बुक करते हो तो आपको 8 से 10 महीने का वेटिंग पीरियड मिलेगा कि आपको इसके बाद आपको कार आपकी मिलेगी जो आपने बुक करवाई होगी। तो उसको बहुत लंबा वेटिंग पीरियड हो गया, मतलब आज आपने सोचा कि हम कार लेते हैं, आपके पास खुले पैसे है भी हैं कि हाँ जी हम लगा देंगे, पर बाद में पता चलेगी जी कार तो साल बाद मिलेगी, तो बीच में पैसे खर्च हो गए, तो कमाल की बात है। दोस्तों बहुत ज्यादा ये इफेक्ट कर रहा है। और अगर मैं महिंद्रा की एक्सयूवी 700 की बात करूं, जो नई कार ही है बिल्कुल, उसका वेटिंग पीरियड अराउंड 1 साल ही हो चुका है। और अगर मैं बात करूं छोटी एसयूवीज की, जैसे मैग्नाइट है या फिर सोनेट, तो इनका वेटिंग पीरियड थोड़ा सा कम है, 5 to 6 months कहा गया है। बाकी देखते हैं दोस्तों ये कब तक कम होता है। चिप मैन्युफैक्चरर्स ने तो कहा है कि भाई 2022 भी बहुत ही टाइट जाएगा, मतलब बहुत ही कम चिप्स बनेगी, तो देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है मर्सिडीज की तरफ से, और मर्सिडीज बेंज जो है वो इंडिया में एक बहुत ही अच्छा काम शुरू करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों ये डायरेक्ट कस्टमर से डील करेंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इनके शोरूम चाहे बीएमडब्ल्यू चाहे मर्सिडीज चाहे कोई भी है, सबके शोरूम डायरेक्ट होते हैं, पर मैं आपको बता दूं दोस्तों डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनके आगे डीलर्स होते हैं। जैसे आपके एरिया में कहीं भी आपको शोरूम दिखेगा तो वो डायरेक्टली उनसे नहीं जुड़ा होता है, इनडायरेक्टली होता है, वहां के कोई लोकल एरिया के डीलर्स उस शोरूम को चला रहे होते हैं। तो दोस्तों मर्सिडीज ने कहा है कि वो अपने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या अपने डायरेक्ट कंपनी के होल्ड से वो कस्टमर से डील करेंगे। दोस्तों काफी अच्छी बात है, इससे आपका कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है और इससे ये फायदा होगा कि आपकी जो सर्विस वगैरह आपको मिलेगी उसमें डिले कम हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है क्योंकि डायरेक्ट कंपनी डील कर रही है तो जो गलतियां होती हैं वो थोड़े कम हो जाएगी चांसेस, तो काफी अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों अगला बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा की दोस्तों एक कंपनी है एस सैंगयोंग, दोस्तों नाम सुनने में अजीब लगा होगा ना, एस सैंगयोंग। दोस्तों ये जो कंपनी है ये महिंद्रा बेच रहा है, महिंद्रा के पास इसके 75% स्टैक्स हैं या स्टॉक्स कह सकते हैं, और वो इसे बेच रहा है एडिसन मोटर्स को, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एडिसन जो है वो बनाती है ईवीज के अंदर ट्रक्स को और बसेस को, और दोस्तों अगर एस सैंगयोंग को वो खरीद लेते हैं तो वो कार्स को भी बनाएंगे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों ये कब तक डील होती है, वैसे महिंद्रा की तरफ से कुछ ना कुछ कंफर्मेशन आ रही है कि वो इसे बेच रहे हैं। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है स्कोडा की तरफ से, या स्कोडा की तरफ से जो भी लोग कहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं इसकी जो कुशैक आई थी गाड़ी, इसका 1.5 लीटर का एटी यानी कि ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट आने वाला है। दोस्तों ये आएगा 6 एयरबैग्स के साथ में, और इसके अंदर आपको एयर प्रेशर मॉनिटर भी मिल जाएगा टायर्स का, तो काफी अच्छी बात है, आपको गाड़ी में बैठे बैठे पता चल जाएगा कौन से टायर में प्रेशर कम है एयर कम है, तो आप फिल करवा पाओगे बड़े आराम से। और दोस्तों ये इसका जो प्राइस होने वाला है वो रहने वाला है एक्सपेक्टेड है अराउंड 18 लाख, बाकी देखते हैं दोस्तों क्योंकि 6 एयरबैग के साथ आ रही है, एयर मॉनिटर का अलग से ऑप्शन आ चुका है, सिस्टम आ चुका है, और 1.5 लीटर की है ये ऑटोमेटिक, और दोस्तों मैं बता दूं ये नवंबर में आ सकती है, तो देखते हैं दोस्तों।
सो दोस्तों आज की टेक और ऑटो दोनों न्यूज़ होते हुए खत्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।